आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम डायलॉग बॉक्स। उसमें हम बात करेंगे आज मैसेज बॉक्स के बारे में। तो इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली है उस क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है कि हम यहाँ विजुअल बेसिक पे आते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल, और यहाँ हम सब देते हैं RR, और यहाँ पे हम लिख देते हैं MSG बॉक्स। कोई भी इनपुट देने के लिए हम मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल, सिंपली मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें माइक्रो के दौरान जो कंफर्मेशन मैसेज या एरर अलर्ट इस तरह की चीजें हमें मिल सके, उसके लिए हमने आपके साथ इसका इस्तेमाल किया हुआ है। अब लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इसको और भी ज्यादा यूज किया जा सकता है, जैसे कि कंफर्मेशन वगैरह के लिए या कुछ और चीजों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैसेज बॉक्स के ऊपर कोई मैसेज देना हो तो हम कैसे देंगे, वो भी डबल लाइन का। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ पे एरर, एरर, और मैं चाहता हूं कि एरर के बाद दूसरा लाइन नीचे आए और उसमें जो एरर है वो दिखे। तो उस केस में हम यहाँ पे टैब लगा, यहाँ पे लगा देते हैं एंड का साइन और यहाँ पे लिख देते हैं VV न्यू लाइन और फिर एंड परसेंट, और हम यहाँ पे दे देते हैं दिस फाइल नॉट कंप्लीट। तो इससे क्या होगा कि अब देखिए आपका जो मैसेज आएगा वो डबल लाइन में आएगा। तो डबल लाइन में आपको यहाँ पे एरर का यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए होता है मैसेज। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे नेम है, यहाँ पे रोल है, यहाँ पे मार्क्स है, तो मुझे ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मैसेज में चाहिए और सेम टेबल फॉर्मेट में। तो चलिए इसके लिए हम डिजाइन करते हैं माइक्रो। तो यहां पे हम एक लेते हैं डिम एक एम एज ए स्ट्रिंग और फिर एम इक्वल टू मैसेज देते हैं एम इक्वल टू एम के साथ कंबाइन है, नहीं नहीं एम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं एम इक्वल टू रेंज A1 डॉट वैल्यू। तो हमें दोनों के बीच में जो है ना कॉलम का स्पेस चाहिए, इसको हम टैग स्पेस करते हैं। अगर आप नोट पैड यूज कर रहे होंगे तो नोट पैड में आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ पे नेम लिखा तो यहाँ पे हम लोग टैब देते हैं और फिर यहाँ पे रॉ लिखते हैं। तो ये जो टैब का हमें स्पेस देना है दोनों कॉलम के बीच में, तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एन परसेंट और यहाँ पे हम देते हैं एन परसेंट में VV टैब और फिर एन परसेंट लगाते हैं, फिर यहां पे देते हैं रेंज B1 डॉट वैल्यू और अगेन हम यहां देते हैं VV टैब और यहां पे रेंज C1 डॉट वैल्यू। अब इसको एक बार मैं मैसेज में चला के दिखाता हूँ कि कैसा होगा मैसेज। सर वीवी टैब की आप स्पेलिंग ठीक कर दो, शायद एरर देगा नहीं तो। हाँ हाँ यहाँ पे ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, देख रहे हैं एक सही फॉर्मेट में आया। अब मुझे इसी के नीचे पूजा 165 जिसके नीचे है उसके सामने देना है, तो मैं इसी को कंबाइन करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि m इक्वल टू m के साथ हो जाए VV न्यू लाइन, फिर m यहाँ पे m के साथ हमने इसको कंबाइन किया और
ए वन के जगह पे टू, यहाँ जहां जहां वन है वहां वहां टू हो जाएगा, टू हो गया। अब मैं इसको प्ले करता हूं, तो पूजा रोल नंबर 1 एंड 65, पूजा 1 एंड 65, दिख गया क्लियर सर, डाउट इसमें? ठीक है सर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पूरी के पूरी डेटा को हम कैसे यूज करेंगे, एक सीट है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 5 रो एंड मेरे पास 10 कॉलन है, ऐसे भी ज्यादा हो सकता है, तो मुझे इस पूरा डेटा को हमें लेके जाना है किस पे, मैसेज बॉक्स पे। तो उस केस में हम देंगे सब आर स्लैश टू, हाँ डिम एम एज ए स्ट्रिंग हम यहाँ कर देते हैं, और यहाँ एम इक्वल टू जो हमारा एम है, एम इक्वल नहीं यहाँ पर लूप लगेगा माफ कीजिएगा, कि 4 i = चले 1 2 कितना है 10, 10 रो है। अब मैनुअल है, हम इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, वो तो आपको आता ही होगा, नेक्स्ट जे। अब यहाँ पे हमने कर दिया कि एम इक्वल टू एम के साथ कंबाइन होगा वी वी टैब, और क्या होगा इसमें वैल्यू, तो सेल्स i, j डॉट वैल्यू, और फिर यहाँ होगा एम इक्वल टू एम के साथ कंबाइन होगा वी वी न्यू लाइन, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई होगा, और फिर एम एस जी बॉक्स में आप इस एम को दे दीजिए। अब इसको रन कीजिए, आपका पूरा डेटा सेम फॉर्मेट में यहां आपको दिख रहा है, क्लियर है सर? आशीष जी, दीपक जी, नितिन जी, को डाउट इसमें? सर एक बार थोड़ा सा समझा दो ये वाला कोड। बेसिकली हमने लूप लगाया, और सबसे पहले तो मैं बोला कि कॉलम को ऐड करो टैब लगा के, क्योंकि आई हमारा जो है रो का प्रतीक है और जे हमारा कॉलम का प्रतीक है, ठीक है? तो कॉलम वाले को हमने टैब के साथ कंबाइन कर दिया, और फिर हमने एक नया लाइन ऐड कर दिया रो में, तो जैसे आई चलेगा जे 5 बार चलेगा, और हर सेल के डेटा को ये टैब के साथ ज्वाइन कर देगा, टैब के साथ जैसे कि यहाँ पे ऊपर ज्वाइन हुआ है, यहाँ देखा होगा ना सर कि पहले हमने टाइप के साथ ज्वाइन किया तीनों से तीनों वैल्यू को, फिर इसमें हमने एक नया लाइन ऐड किया, फिर टाइप के साथ अगली वैल्यू को हमने ज्वाइन, अगली रो को हमने ज्वाइन किया, सेम चीज यहाँ हो रहा है, ये आपका कॉलम ज्वाइन हो रहा है, ये आपका रो ज्वाइन हो, ये कर रहा है न्यू लाइन देके अगली रो ज्वाइन हो रही है, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, अब ये तो हो गई हम वैल्यू डालने की, अब बात करते हैं कि हम एज ए कंफर्मेशन भी ले सकते हैं मैसेज बॉक्स से, जैसे कि जैसे मान लीजिए जब जैसे कि आप कुछ करते हो, जैसे फाइल डिलीट करते हो, तो आपसे एक अलर्ट आता है ना, और डिलीट करते हो मतलब कि ये आपको मैसेज भी दे रहा है और ये आपका इनपुट भी ले रहा है, तो इसी तरह कंफर्मेशन देने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसका। तो जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया कि डिम एम एज ए इंटीजर, ध्यान रखिएगा इस पे इंटीजर होगा, एम इक्वल टू यहाँ पे होगा आपको एम एस जी बॉक्स। अब यहाँ पे अपना मैसेज दे दो कि डू यू वांट टू सेव, हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसमें आता टाइटल, सॉरी बटन, इस पे किस तरह के बटन होने चाहिए, तो ये सारे बटन है, तो मैंने इसमें दे दिया आपका वीवी, यहाँ देखिए वीवी यस एंड नो है, ओके है, कैंसल है, रिट्राई कैंसल है, इसे भी बहुत सारे है, यस नो कैंसल है, तो हमने यस एंड नो कर दिया, और फिर यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल में मैंने दे दिया कन्फर्म, तो अपना हिसाब से मैं टाइटल भी लिख सकता हूँ, टाइटल लिख दिया। अब हमारे पास मैसेज यहाँ पे आएगा, अब मैसेज आया, अब मैंने यस पे क्लिक किया तो जो एम है एम पे सेव हो जाएगा वीवी यस, अगर हमने नो पे क्लिक किया तो सेव हो जाएगा वीवी नो,
इसकी डिटेल्स जो मैंने आपको बुक भेजी थी उस बुक के कस्टम डायलॉग बॉक्स चैप्टर में होगा, मतलब यूजर फॉर्म के स्टार्टिंग चैप्टर में होगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अब इसके भी आप पे से की करवाना है तो आप कंडीशन देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि इफ कि एम इक्वल टू वीवी यस, या ओके है तो ओके, नो है तो नो, वीवी नो, कैंसल है तो वीवी कैंसल। कि इफ एम इक्वल टू वीवी यस देन हम यहाँ पे कर देते हैं कि एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, या फिर जो भी आप कमांड देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशंस आप दे सकते हैं। सर एक चीज पूछनी है, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, ये जो आपने जो बुक दी है वो तो 2010 फॉर्मूलास की थी जो, नहीं नहीं आपको वीवीए वीवीए बुक भी मिला होगा, बुक 9 करके मिला होगा सर, पीडीएफ बुक 9, बुक 9 आप सर्च कीजिएगा मेल पे, या वीवी बुक करके सर्च कीजिए ना, होगा सर। ठीक है सर, एक बार चेक कर लेंगे। मैंने जब आपको वेरिएबल्स पढ़ाया था जिस दिन, उसी दिन मैंने बुक भेजा था। हाँ जी हाँ जी, जिसमें आपको पेज नंबर 199 पढ़ने के लिए बोला था, शायद आपने पढ़ा भी होगा। हाँ सर, हाँ हाँ सर, वो साथ साथ जब आप वॉक थ्रू करा रहे थे वो ये फॉर्मूलाज वाली नहीं थी बुक, कोई और थी ना, वीवी अलग होगी वो बुक, वीवी की बुक थी, फॉर्मूला बुक तो अलग है। वो दो बुक का मैंने आपको भेजा, एक्सेल में आपको एक्सेल फॉर्मूले की बुक भेजी है और वीवी में आपको वीवीए की बुक भेजी है, दोनों ठीक है, सेम ऑथर का है और सेम पब्लिशर का है। हाँ 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 ठीक है, ठीक है सर, तो कंफर्मेशन दे सकते हैं, तो इस तरह से कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। अब बटन्स में, अब जैसे क्या है कि आपने क्लिक किया तो आपके सामने बटन आ रहा है, तो इस पे कोई बीप वगैरह की आवाज नहीं आ रही है। तो बटन्स के दो टाइप है, तीन टाइप है इसमें, क्रिटिकल, इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चन। तो अगर मैंने यहाँ पे वीवी क्रिटिकल डाल दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, तो क्या होगा कि जब अब जो ए ऑन होगा तो एक साउंड आएगा और एक क्रॉस का सिंबल आएगा, क्रिटिकल हो गया, ठीक है ना। अगर मैं क्रिटिकल ना करूं यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस वीवी क्वेश्चन कर सकते हैं, वीवी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में आपको आई का सिंबल आएगा और इसके भी साउंड आपका अलग साउंड आएगा, थोड़ा सा हल्की साउंड आएगी। उसी तरह से आपका क्वेश्चन है वीवी, तो वीवी क्वेश्चंस है, तो ये भी आपको वीवी क्वेश्चंस आप करते हैं तो वीवी क्वेश्चंस का, वीवी क्वेश्चन में कोई साउंड नहीं आता है लेकिन इससे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो ये आपके टाइप है, अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हो। तो मैसेज बॉक्स समझ में आ गया।